ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਮਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਚੂਰ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਔਰ ਸਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਂ पाकिस्तान स्टेज टेलीविजन और फिल्म के नामवर अदाकार नदीम चिट्टा साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम साहब की हाल जी पहले तो ये दसो ना कि ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਦੀਮ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਮਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ अब आपकी भरपूर तालीम तशरीफ लाते हैं नदीम चिट्टा हमें उन्हें ना चेदा मजे भी जो मैं वो शादी का जो होंगे स्टेज मैंने मुंह पर पैर रखे ना तो दुनिया सुना दी अनाउंस से चिट्टा किया गया ये कहड़ा चिट्टा है वो उनकी वजह ना फिर उस टाइम ये ना पिया उन्होंने कहा तू ना परमानेंट रख लै नदीम चिट्टा चिट्टा मैं बहुत सही की नाम मैं मेरा रंग काल है मैं नसीम विकी साहब के घर गया ना दरवाजा लगाया थे बड़े वाकियात ने एक ना बच्ची आई जी कौन मैं कहा विकी भाई को जाके बोलो कि नदीम चिट्टा आया अच्छा विकी जाके विकी भाई को जाके बोलो नदीम चिट्टा आया तो उन्होंने मेरे देखने लग पे बच्ची भी देखने लग पे भी कड़ा भी लग पे ही वो पीछे भी देखने लग पे नदीम चिट्टा खड़े पीछे होना कवर पीछे वो मैं क्या मैं मुझे लग गया पता कि कुछ सोच रही खैर अंदर गई तो कहती जाके भाई कहती के नदीम चिट्टा है बेशुमार वाकया दिल खुश हो गया लोग जो चिट्टा चिट्टा कहते हो खुशी तो होगी कभी तुम सोचा नहीं होगा मतलब रंग से थोड़ा सामल है दुनिया मेनु चिट्टा कहेगी नहीं डॉक्टर साहब गल के ना जिंदा मर्जी हो बंदा अंदरों ही होना चाहिए अंदर की कैफियत ने तुम दसिया कि चिट्टा ठीक मैं ठीक है फिर जो बहुत सारे चिट्टे लोग बड़ी खूबसूरत गल की अंदर की कैफियत हो रही आहो और रखे हुए नाम अच्छा ये असल ना हो असल मुकड़ा आहो अगो मुकड़ा भी तो होना चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूसरा ही ड्रामा बड़ा खूबसूरत और हिट रोल कर रहे और जिहड़ी मैं फील करदा सा कि कमी है मेरी टीम दे विच ਉਹ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਜ਼ਰਫ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ और ये नहीं कि चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੈਨੂਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਹੋ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਨਦੀਮ ਹੈ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੋਲ ਉਹ ਰੋਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ
बॉस मैं ना स्टूडेंट हाँ ठीक है जी मैं पढ़ना सा तो पढ़ाई के बीच में ना हूँ प्यो अल्लाह मेरे जनता ही घर दे कहता सी कि तू ना थिएटर ना कर पढ़े डिस्टर्ब हो लेकिन नंबर मेरे अच्छे आए जाते सर मां मेरी मेरे प्यो के कहते सी तू की इन्हों को करन दे सो वे ना एजुकेशन भी ठीक जा रहा है अपना काम भी तुम इन्हों करन दो हाँ जी वो बार इस एंगल फिर पढ़ता 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 इलेक्ट्रॉनिक फन ये फिर ये हो गया कि पढ़ी है दुनिया का शोभा कोई भी हो तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी अच्छा बॉस यह गल बिल्कुल बजाय तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी लेकिन एक छोटी जी गुजारिश करा कि अगर बंदे को तालीम ना भी हो तालीम ना भी हो पढ़े लिखे बंदे तो भी बहुत अभव सही पढ़े लिखे ऐसे बड़े बंदे ही नहीं होंगे याद है तो आबाद है गुरला है तो बर्बाद है मतलब के मेहनत करनी पई बड़ी तकलीफा चुकी है खर्चा मार रहा मैं स्ट्रगल नहीं मानता जी हूँ पूछो क्यों मेहनत जी है ना देखो एक मिस्त्री है जो कार बना चौथी मंजिल से चढ़ा बना रहा हूं ठीक है यकदम अगर सोच रहा है ना उन्हें सवेरे 7 बजे जाना रात को 5 बजे उन्हें छुट्टी करनी काम कितना हार्ड कर रहा है ठीक है जी स्ट्रगल कर रहा है मेहनत कर रहा है जो सोच रहे हैं इसमें मजदूर की दिहाड़ी नहीं देनी अपना मकाम पाना है मैं 5000 मुआवजा लेना तो मैं 10 लेना 10 से पहुंचे तो तुम्हारी सोच 20 आ गई 20 से पहुंचे तुम्हारी 1 लाख रुपए से 2 लाख से हुन तुम्हारी नजर लखा रुपए से मैंने उस गल का पता है बस मैं यही चाहना कि हुन की फील करते हो एक अच्छा आर्टिस्ट होने के नाते
शोबिज़ दा एक मसरूफ सितारा होण दे नाते नाल अज ते माज़ी च की फर्क है, अज की फील करदे हो, उदों की फील सर? उदों बहुत ज्यादा गुरबत सी ते अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुण माशाल्लाह अल्लाह पाक दी बड़ी खास करम नवाजी है छोटा जा भी प्रॉब्लम कर दिया जाता चढ़ा के पेश कर दिया जाता है ना। कुछ अजीब मयार है अपना, मैं झूठ खाऊंगा तो कुछ और समझ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया नदीम चिट्टा साहब इन्होंने दुआवां नाल कि अल्लाह पाक तुहानू मज़ीद तरक्कियां दे और आने वाला वक्त जिहड़ा है ना जी वह साडे कुछ चंद दोस्त इस वेले माशाल्लाह अगे आए ने गुजारिश कर रहा है अच्छा काम करा जिंदे भी जो तुसी खुश होंदे हो ना जो डायरेक्टर खुश होंदे ते उदों मैं इस कोलो हैप्पी हो जांदा। मतलब यार ए बंदा जो कल्ला होंदा के भाई खुश है ना, मतलब कि काम ठीक जा रहा है, काम ठीक जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक किया करें ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।